हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वो टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम में परिवर्तन। ये टॉपिक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर गणतंत्र मंडप किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरह से फ्रेम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, गणतंत्र मंडप। इसी तरह अशोक हॉल का नाम भी परिवर्तित कर जो है वह अशोक मंडप किया गया है। यहाँ प्रश्न किस तरह से फ्रेम होगा कि अशोक हॉल का नाम, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, अशोक मंडप। दरबार हॉल जो है राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रमों के आयोजन का स्थल है। दरबार शब्द जो है वो भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों तथा सभाओं को संदर्भित करता है, इसलिए और गणतंत्र बनने के बाद ये इस शब्द की जो है, दरबार शब्द की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, इसलिए जो है दरबार हॉल का नाम क्या किया गया है, गणतंत्र मंडप किया गया है। मंडप शब्द जो है वो भाषा में एक रूपता लाता है, इसलिए जो है अशोक हॉल का नाम परिवर्तित कर अशोक मंडप किया गया है। इससे पहले जो है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम भी परिवर्तित कर अमृत उद्यान किया गया था। अब यहाँ प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब क्या है, तो अब उसके अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हमारा होगा अमृत उद्यान। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।